नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज गूगल के कुछ ऐसे लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि काम में आ सकते हैं। कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिनके लिए हमें अलग से अरेंजमेंट करने होते हैं। गूगल आपको ये सब कुछ एक बहुत ही फ़नी वे में देता है। हम कुछ ऐसी ही चीज़ें आज आपको बताएंगे दोस्तों। आपको चलना है गूगल पर, और यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है रोल डाइस। जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे रोल डाइस और आप यहाँ पर एंटर करेंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रोल डाइस आ गया है। और ये जैसे ही आप यहाँ रोल पर प्रेस करेंगे, ये रोल होकर मार्क्स नंबर यहाँ पर बताएगा। आप लोग कभी ऐसा कोई गेम खेल रहे होते हैं या कहीं आपको इस डाइस की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अलग से अरेंज नहीं करना होगा। आप इस तरीके से डाइस बना सकते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं, अगर आप कुछ और भी चीज़ें लगाना चाहते हैं, कोई दूसरे तरीके का डाइस, तो ये देखिए अब ये दो डाइस हो गए हैं, अब ये साइमल्टेनियसली रन होंगे। इस तरीके से दोस्तों आप डाइस का यूज़ भी कर सकते हैं, और आपको जो भी काम करना है कैलकुलेशन से रिलेटेड या कोई गेम से रिलेटेड, तो वो आप आसानी से यहाँ पर जो है कर पाएंगे। दोस्तों इसी कड़ी में एक दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर एक ट्रिक है। आप यहाँ पर सेट टाइमर कर दें, और सेट टाइमर फॉर 5 मिनट्स। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक टाइमर है, ये चलने लगा है। 5 मिनट का ये टाइमर है, और जब भी हम कहीं पर टाइम सेट करते हैं, मैं इसको 5 सेकंड करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये बज़र का काम भी करता है। जब हम कहीं पर कोई ऐसा गेम खेल रहे होते हैं और बताते हैं कि आपके पास सिर्फ 5 सेकंड हैं, इसके बाद बज़र बजता है और वो कहानी वहाँ ख़त्म हो जाती है। ऐसा कुछ करने के लिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, आप जो भी करना चाहें। अभी आप इसको ध्यान से सुनिए दोस्तों, जैसे ये ख़त्म होगा एक बज़र की आवाज़ आएगी। तो दोस्तों ये आपने देखा, आप यहाँ पर इसका टाइम बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। ये टाइमर उतनी देर के लिए चलेगा। देखिए ये आपको यहाँ पर टाइमर दिख रहा है। इसी के साथ जैसे ही ये ख़त्म होगा, यहाँ पर बजर की आवाज़ आएगी, एक बीप का साउंड आपको सुनाई देगा। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। पास में ही दोस्तों आपको टाइमर के पास ऑप्शन दिख रहा है स्टॉप वॉच का, यहाँ से आप स्टार्ट करके जो स्टॉप वॉच को भी अगर ढूंढना होता है कभी, तो आप डायरेक्ट गूगल पर आकर स्टॉप वॉच का काम जो है कर सकते हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हो उसके लिए स्टॉप वॉच की अगर ज़रूरत हो, तो आप गूगल पर उसको ढूंढ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन है स्पिनर, आप लोगों ने सुना होगा। ये जो है बहुत कहते हैं कि ये आप देख सकते हैं, ये व्हील के साइज़ में आ गया है। और यहाँ पर ये जो मार्क्स हैं, आप इसको स्पिन कीजिए। आप जैसे ही रोल करके स्पिन करेंगे, और जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं या कोई ऐसा हम कंपटीशन या कुछ भी होता है, वहाँ पर हमें अगर किसी स्पिनर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, तो आप यहाँ पर व्हील साइज़ को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके 10 मेंबर्स हैं, तो हम व्हील साइज़ को 10 कर देते हैं। अब हम इसको जो है यहाँ पर स्पिन कर रहे हैं। स्पिन करने के बाद ये जो नंबर पर आकर रुकेगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ जो नंबर से चेंज करने के बाद, ये तो आपने देखा ही होगा, इसको आप जितना भी जितना स्पीड में घुमाएंगे, ये उतनी ही स्पीड में दोस्तों यहाँ पर घूमेगा। और ये देख सकते हैं, ये सब डिजिटल दुनिया है दोस्तों, लेकिन आपको एहसास दिलाती है जो चीज़ें आपके पास होती थी, जो गेम्स आपके पास होते थे, उनको जो है आप आसानी से यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ये देखिए हमने 2 बार ही इसको सिर्फ राउंड घुमाया हुआ था, और ये इतनी स्पीड से जो है दोस्तों यहाँ पर घूम रहा है। इसी के साथ दोस्तों जो चौथी चीज़ है, आप जब भी लिखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये देख सकते हैं दोस्तों जितना भी आप यहाँ लिख रहे हैं इस तरीके से, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, हम लिखते हैं कंपल्शन, ये आप देख सकते हैं। और इतने देर के बाद यहाँ पर जैसे आप एंटर करते हैं, तो आपको ये लिखा आता है कंपल्शन क्या होता है, कंपल्शन का मीनिंग क्या होता है। आपको दोस्तों इतने वर्ड्स नहीं लिखने हैं, आपको सिंपल सा लिख देना है डिफाइन कंपल्शन।
आप जैसे ही लिखेंगे डिफाइन कंपल्शन, एंटर करेंगे, तो दोस्तों वही पूरी डिटेल आ जाएगी जो आपको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपल्शन इन हिंदी या इन इंग्लिश लिखने में आई थी। और ये डिफाइन शब्द का आप जैसे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों गूगल पर, तो यह आसानी से आपको उस चीज़ की जानकारी यहाँ पर जो है दे देगा। दोस्तों एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत ही अच्छा टिप्स और ट्रिक है, आपको बहुत पसंद आएगा, अगर आपके घर में छोटे बेबीज हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको दोस्तों लिखना है यहाँ टाइगर, एंटर मारना है, यहाँ पर एक ऑप्शन जो है आता है, देख रहे हैं, मीट अ लाइफ साइज्ड बंगाल टाइगर अप क्लोज व्यू इन 3D पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए बंगाल टाइगर लोड हो रहा है, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं दोस्तों। आप दोस्तों इसको जो है ये देखिए आप रोटेट कर सकते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके फ़ोन में जो है सच में कोई टाइगर जो है आ गया है। ये देखिए आप इसको कितना भी रोटेट कर सकते हैं, ये और दोस्तों इसी के साथ नीचे आपको और भी जो ऑप्शन देख रहे हैं, आप अगर ये बुलडॉग ये यहाँ पर लोड होगा फ्रेंच बुलडॉग, अगर आप इसको भी 3D में महसूस करना चाहते हैं, अपने फ़ोन में देखना चाहते हैं, तो देखिए ये देखिए दोस्तों ये किस तरीके से गुस्सा होता है, ये देखिए फुल स्क्रीन पे आप जो है दोस्तों उसको देख सकते हैं। इसी के साथ आप कोई और चीज़ ये देखिए, हम अलग अलग चीज़ें आपको जो है दोस्तों यहाँ 3D में दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, और पूरे तरीके से दोस्तों इस तरह से इसको कोड किया गया है 3D में कि आपको पूरा एहसास दिलाया जाता है कि ये हकीकत का ही है और हकीकत का ही लग रहा है, इस तरीके से जो है दोस्तों इसको बनाया गया है। तो अगर आप थोड़े से काम से बिजी हैं या आपका मन नहीं लग रहा है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों जिनसे कि आपका मूड रिफ्रेश हो सकता है। और मैं इसको स्क्रीन पर जो है रोटेट कर रहा हूँ, जिस भी दिशा में हम इसको रोटेट करेंगे ये रोटेट हो जाएगा और एज इट इज़ आवाज़ आप जो है दोस्तों इसकी सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये और भी ऑप्शंस हैं नीचे, आपको जो भी देखना हो, चीता देख सकते हैं, आप वाइट शार्क भी देख सकते हैं, ये शार्क जो है यहाँ पर लोड हो रही है, ये देखिए आपको बिल्कुल 3D व्यू जो है दोस्तों इसका दिया जाता है। और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, आपको अगर आपके घर पर जो बच्चे हैं उनका अगर मन लगा कर रखना है तो आप इस तरीके से जो है देख सकते हैं। मैं लास्ट में ये चीता और आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये हमें बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। और तो दोस्तों ये थी आज की कहानी गूगल्स के कुछ ऐसे खास टिप्स और ट्रिक्स जो आपने देखे और जाने, और मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और वो भी इस चीज़ का जो है इस्तेमाल कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।